नमस्कार दोस्तों, इंदौर के एग्जिम ट्रेनिंग सेंटर से मैं राकेश अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंदौर का एग्जिम ट्रेनिंग सेंटर देश का जाना माना एग्जिम ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर हम बिजनेस की, एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, इंटरनेशनल ट्रेड की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और ना केवल सेंटर में बल्कि हम इन वीडियोज के माध्यम से भी आपको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री में आपके घर तक पहुंचाते हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो आप YouTube पर जाकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग पार्ट वन से लगाकर अभी तक के पार्ट आप देखिए, आपको बहुत सारा ऐसा नॉलेज फ्री में प्राप्त होगा जो शायद आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट से रिलेटेड नहीं जानते होंगे। भारत में पहली बार हमने ये कोशिश की है पूरी ईमानदारी के साथ कि हम अपने देश के युवाओं को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के सपोर्ट में और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के सपोर्ट में ऐसा ज्ञान उनके घर तक पहुंचाएं जिसकी जानकारी उन तक नहीं हो, पर वो देश के विकास में और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज हमने ये जो प्रोग्राम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की वर्कशॉप में ये जो प्रोग्राम आपके सामने आयोजित किया है, इसका एक अनोखा विषय है जिसे मैं जानता हूं कि हमारे देश के अनेक लोग, हजारों लाखों लोग निश्चित रूप से नहीं जानते होंगे। कुछ लोग जानते भी होंगे, पर व्यापार में अनेक जोखिम तो होती है जिसमें पेमेंट या लेन देन की भी एक जोखिम होती है। और मैं शुक्रगुजार हूं मालवा चेंबर ऑफ कॉमर्स का, इंदौर के मालवा चेंबर ऑफ कॉमर्स का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी आज हमको दी और आज हमारे बीच जाने माने आर्बिट्रेटर, विशेषज्ञ, सम्माननीय सर कुमार जी कोल हमारे बीच पधारे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले एपिसोड में भी आर्बिट्रेशन पर हमने कुछ बातें की थी, इस एपिसोड में हम उसी विषय को, उन्हीं बातों को और आगे बढ़ाते हैं ताकि आपका और ज्ञान वर्धन हो। तो दोस्तों, आर्बिट्रेशन क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी कानूनी वैधता क्या है, अंतरराष्ट्रीय कानूनी वैधता क्या है, इसके बारे में हमने आपको पिछला एपिसोड दिखाया था। आज के एपिसोड में हम माननीय कौल साहब से फिर से चर्चा आरंभ करते हैं कि सर, आर्बिट्रेशन शब्द का जो महत्व है, जो आवश्यकता है, जो इसकी कानूनी वैधता है, इसको आपने पिछले एपिसोड में बहुत विस्तृत जानकारी दी बहुत आसान शब्दों में, और ये इतनी अच्छी बात है कि सर इतने आसानी से ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हजारों रुपया खर्च करने के बाद भी शायद आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर पर या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रोग्राम में शायद ना मिले। जो माननीय कौल साहब यहाँ अपना कीमती वक्त निकालकर आपके लिए उपस्थित हुए हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर, और आज ये वर्कशॉप हमने मालवा चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आयोजित की है, तो सर आर्बिट्रेशन के बारे में फिर से वहीं से शुरू करते हैं जो बात छूटी थी हमारी, जहां छूटी थी कि इसका इम्पोर्टेंस, क्योंकि आर्बिट्रेशन का आपने पिछली बार जो दो चीजें बताई थी इंटरनेशनल ट्रेड में और डोमेस्टिक ट्रेड में, सर वहीं से शुरू करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस देखिए, इम्पोर्टेंस आर्बिट्रेशन का इम्पोर्टेंस वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा है। जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है जहां विवाद का निपटान किया जा सके। जी, एक देश का अपना कानून है, दूसरे देश का अपना कानून है। जी, अब कानून ही जब अलग अलग है, लॉ ही अलग अलग है, लॉ ही डिफर कर रहा है, किसी कंट्री का लॉ अलग है, किसी कंट्री का लॉ अलग है, वो उसमें उसका सॉल्यूशन देना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए इसका महत्व है कि व्यक्ति अपने आप अपने स्वेच्छा से बैठ करके अपने दावे का, अपने डिस्प्यूट का निपटान खुद कर ले। बहुत अच्छी बात है ये, तो कि ये बात भी सच है कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग कानून प्रचलित है, और उन अलग अलग कानून का उनकी विद इन बॉर्डर यानी देश की सीमा के बाहर उस कानून का कहीं उपयोग नहीं है। दुनिया के दूसरे देश में भारत का कानून चलेगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हालांकि ट्रीटी होती है बिल्कुल एक दूसरे देशों के साथ, पर देश, मेरे देश का कानून दूसरे देश में नहीं चलेगा और दूसरे देश का कानून अपने देश में, देश में नहीं चलेगा, तो डिस्प्यूट का कैसे होगा इंटरनेशनल लेवल पे कैसे? ये तो बहुत अच्छा विषय है, और ये तो आज हमारी खुशकिस्मती है और हमारे दर्शकों की, हमारे स्टूडेंट्स की खुशकिस्मती है कि आज हम इस विषय पे बात कर सकते हैं। तो सर, ये जो आर्बिट्रेशन की बात है, इसको मैं आगे बढ़ाते हुए उपयोग, इसके उपयोग की बात करना चाहता हूँ, आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ जो हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी कि आर्बिट्रेशन का उपयोग कहां और कैसे हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आर्बिट्रेशन का उपयोग सबसे पहले करार में, जब हम कोई व्यापार करते हैं तो सबसे पहले हम उसका करार करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं,
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते हैं या हम एग्रीमेंट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जी, और उस कॉन्ट्रैक्ट में हम पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से करेंगे, हम यदि माल देना चाहते हैं तो कैसे माल देंगे, कैसे माल पहुंचेगा, कैसा पेमेंट होगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कंसाइनमेंट कब पहुंचेगी, कितनी समय लगेगा, ये सब हम उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं जी। तो आर्बिट्रेशन का उपयोग उसी कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि यदि हमारा किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाएगा तो हम आर्बिट्रेशन के उपयोग से, आर्बिट्रेशन क्लॉज का उपयोग करके अपना जो विवाद हुआ है उसे खुद ही स्वतः ही सुलझा देंगे और हम उस कानून को मानने के लिए बाध्य होंगे। यह आर्बिट्रेशन क्लॉज करार में, कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख देना चाहिए। अच्छा, यदि व्यापार की शुरुआत में ही लिख देना चाहिए। अच्छा अच्छा, कई लोग ऐसे परेशान होते हैं कि सर एक बार वो कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर को सर्च कर लेता है, कोई एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सर्च कर लेता है, आपस में बातचीत करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, मोड ऑफ पेमेंट, एलसी है, डीडी है, डीपी है, डीडी से वो है, इस प्रकार से जो अनेक प्रकार की बातें होती है जी, उसमें कहीं ना कहीं वो शायद ही चूक कर जाते हैं, चूक कर जाते हैं कि वो इस बात को तो भूल ही जाते हैं कि चलिए आज जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ जी, कल को कोई विवाद होगा तो हम क्या करें। ज्यादातर लोग शायद यही जानते हैं कि हम एम्बेसी को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या वो ये सोचते हैं कि हम उस कानून में जाएंगे, उस देश के कानून में जाके बात करेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल है, असंभव सा है किसी देश के कानून को समझना और उसके वहां पर उसको कानून को लागू करना और उसको एग्जीक्यूट करा के अपना पैसा निकलवाना महंगा भी है। और मेरे ख्याल से ये एक आम इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि बार बार किसी देश में जाए अपने डिस्प्यूट को निपटाने के लिए। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि शायद कहीं ना कहीं मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कि जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएं जी तो उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज होना चाहिए। वो ये सबसे बड़ी बात है सर, ये तो यही आवश्यकता है, आर्बिट्रेशन की आवश्यकता जो है उसका उत्तर यही है कि कॉन्ट्रैक्ट में ही आर्बिट्रेशन का क्लॉज होना चाहिए जिसमें ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए कि यदि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो हम उसे आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। हाँ, तो इसमें आर्बिट्रेटर की भूमिका आती है बीच में। आएगी यदि अगर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है जी, तो आर्बिट्रेटर बीच में आकर इस विवाद को निपटाने के लिए प्रयास करेगा, वो व्यापार को खराब होने के बजाय दो लोगों की मानसिकता को खराब नहीं करे, आगे व्यापार सुगम हो, वो सकता है कोई छोटी मोटी बातों के डिस्प्यूट से बड़े डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं। तो कहीं से आवश्यकता में एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आपने करार में आर्बिट्रेशन को नहीं जोड़ा है, नहीं दर्शाया है जी, तो ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता। अच्छा, यदि नहीं दर्शाया है उसके बाद भी यदि कोई विवाद होता है तो हम उसे एग्रीमेंट करके आर्बिट्रेशन का उपयोग कर सकते हैं, यह वैश्विक स्तर पर माननीय है। अरे वाह, ये तो और सोने पे सुहागा हो गया सर। यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उसी वक्त यह कह सकते हैं कि हमें कानून की शरण नहीं लेना है क्योंकि वह बहुत महंगी होती है, वह बहुत विवादित होती है, बहुत लंबे समय तक चलती है, जिसमें समय भी खर्च होता है, जिसमें पैसा भी खर्च होता है, तो ऐसी व्यवस्था को न उपयोग करते हुए हम आर्बिट्रेशन का उपयोग करेंगे और अपना दावा, हमारा विवाद हम खुद ही सुलझा लेंगे। यानी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएं, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं, और अगर कोर्ट में जाते हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट में समय बहुत लगता है, पैसा खर्च बहुत होता है, और फिर दो पार्टियां जो बायर सेलर है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, वो एक प्रकार से प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद कोई रिश्ते मजबूत नहीं होते। मैं भी जीतूंगा, आप भी जीतोगे, हम दावा करते हैं कि मैं ही जीतूंगा, आप दावा करेंगे मैं ही जीतूंगा जी, जी, जी। और जब निर्णय आएगा, जब विन लूज हो जाएगा, एक जीतेगा और एक हारेगा, बिल्कुल कोर्ट का निर्णय तो वैसे ही होता है, जबकि आर्बिट्रेशन ये व्यवस्था देता है कि दोनों विन में, क्योंकि दोनों ने आपस में मिलकर उसका समझौता किया है, दोनों ने उसको मिलकर के निपटारा किया है, तो कोई भी नहीं हारा और कोई भी नहीं जीता, दोनों ने समझौता किया। यानी इसका मतलब ये कि व्यापार को और आगे बढ़ाने की एक नई अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, और मित्रों देखो ये तो कितनी अच्छी बात है कि आर्बिट्रेशन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते तो ठीक है, और नहीं लिखते तो भी ठीक है। यानी आर्बिट्रेशन का लिख दे तो बहुत अच्छा है, लिखना ही चाहिए, लिखना ही चाहिए, कोशिश करते तो है, लिखना ही चाहिए, पर नहीं लिखा है तो व्यवस्था है। यानी कहने का मतलब है हमारा कॉन्ट्रैक्ट जी बहुत परफेक्ट
परफेक्ट हो गए परफेक्ट परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि हम उस पर परफेक्ट रूप से बना रहे हैं और दोनों उसको एग्री कर रहे हैं ताकि हमारे विवाद को भी आसानी से एक बीच में एक मध्यस्थता के नाते और जो कानूनी वैधता कानूनी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाए बगैर एक कानूनी वैधता के अंतर्गत हम उस विवाद को निपटा दें और व्यापार को आगे फिर से एक दूसरे के बीच बढ़ा सकते हैं। सर बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान आज हमें प्रदान किया, ये बहुत अच्छी नॉलेज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सर आपने प्रोवाइड की, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने बहुत अपना कीमती समय निकाला। तो मित्रों देखिए आर्बिट्रेशन का कितना इम्पोर्टेंस है, ये विवाद को निपटाने के लिए आपको व्यापार खराब करने की आवश्यकता नहीं है, विदेश में कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है जहाँ हमारा कानून नहीं चलता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त आर्बिट्रेशन का लॉ है जिसमें आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक आर्बिट्रेटर या एक आर्बिट्रेशन की कंडीशन को डाल सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों लोग मानते हैं जिससे छोटे मोटे विवाद को आपसी समझौते के द्वारा निपटारा किया जा सकता है और जो कानूनी दायरे में होता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने समय दिया। मित्रों अगले एपिसोड में हम इस विषय पर और ज्यादा बातें करने के लिए उपस्थित होंगे। माननीय कोल साहब को हम बार बार कष्ट देंगे कि सर आए हमारे एग्जिम ट्रेनिंग सेंटर जो कि दुनिया भर में फेमस है, भारत में तो बहुत फेमस है, और यहाँ पर हम जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं मित्रों आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख ही रहे हैं कि हम कितने प्रकार का ज्ञान इन्फॉर्मेशन आपके पास निःशुल्क पहुंचा रहे हैं। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो आप हमारे सेंटर पर जरूर आए और हमारे इन वीडियोस को आप भी देखें, दूसरों को शेयर करें और दूसरों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें ताकि मेरे भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से मजबूत करने के लिए हम सब मिलकर सहयोग करें, डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम को हम सक्सेस करें और इस भारत को एक महान देश के रूप में दुनिया के देशों में शामिल करें, नंबर वन हो हमारी कंट्री। इसी आशा और अपेक्षा के साथ इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूं, अगले एपिसोड में हम फिर उपस्थित होंगे। तो कुल साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चैंबर ऑफ कॉमर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।